पिछले वीडियोस में हम आपसे बात किए थे कि जो हमारा डीएनए है और डीएनए में सर जो हमारा कोशिका है, कोशिका में डीएनए का क्या लोकेशन है। इस टॉपिक पे या इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं, अर्थात डीएनए के प्रकार। टाइप्स ऑफ डीएनए को हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे कुछ आधार हैं। जैसे मैंने कहा कि आकृति के आधार पर अम्लवेशी सबसे सेट के आधार पर अगर डीएनए के टाइप्स में बात किया जाए तो वो दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक होता है वृत्तीय से या वृत्तीय डीएनए और दूसरा होता है रेखीय डीएनए, जिसे हम लीनियर डीएनए के नाम से जानते हैं। अगर क्यों और कैसे, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए और वृत्तीय डीएनए, तो हम इसे समझेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है यूकेरियोटिक। तो ये जो हमारा वृत्तीय डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि डीएनए में दो छोर होते हैं, मान लीजिए हमारा 5 प्राइम है और ये हमारा 5 प्राइम है। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक के केस में, उसका एक छोर और दूसरा छोर आपस में एक दूसरे से किस तरीके से क्या हो जाते हैं, जुड़ के फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों प्रकार के डीएनए आपस में जुड़ करके श्रृंखला का अर्थात क्वाइल से संरचना का निर्माण करते हैं। अगर हम इसको देखें कि ये तो हमारा रॉड से स्ट्रक्चर है, लेकिन वो आपस में जुड़ करके कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण करते हैं, इसी का हम क्या करते हैं वृत्तीय डीएनए के नाम से जानते हैं। और वृत्तीय डीएनए में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें, उस डीएनए में जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो किसी से संयुक्त नहीं रहते और फ्री अवस्था में रहते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में जो हमारा डीएनए होता है वो और कुछ मात्रा में जीवाणु में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा वृत्तीय डीएनए है। वृत्तीय डीएनए एक छोर दूसरे छोर से मिलकर के वृत्ताकार में फॉर्मेशन करता था, 5 प्राइम 3 प्राइम आपस में संरचना का फॉर्मेशन कर देते हैं और ये प्रोकैरियोटिक के केस में पाए जाते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ये हमारा होता है वृत्तीय डीएनए। रेखीय डीएनए में बात करें, रेखीय डीएनए आपको पता है कि देखने से लग रहा है कुछ ऐसे रेखे की जैसे भी होगा, तो अर्थात ये यूकेरियोटिक जीवों में पाया जाता है। साथ ही साथ इनके दोनों छोर है, चाहे 3 प्राइम हो चाहे 5 प्राइम हो, वो दोनों छोर क्या होते हैं स्वतंत्र अवस्था में, फ्रीडम अवस्था में, फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इस डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन नामक प्रोटीन है वो उनसे जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, अभी सीधे क्रम में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए से ही दरअसल गुणसूत्र का फॉर्मेशन होता है, जो क्रोमोसोम असली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है वो लीनियर डीएनए अर्थात रेखीय डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने के कारण होता है। थैंक यू। अब कल हम टाइप्स ऑफ डीएनए के दूसरे आधारों पर बात करेंगे, किस प्रकार से टाइप्स ऑफ डीएनए और आधार में बांटा गया है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।